If you die tomorrow, then what would your last word be? I know इस क्वेश्चन का आंसर देना सडनली बहुत टफ है, क्योंकि लाइफ तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है और हम अपनी लाइफ से कभी ये एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं है कि कल ऐसा कुछ होगा, तो हम आज इसका जवाब दे ही नहीं पाते। So hi guys, my name is Shivani Rajput and I welcome you all to my channel, A Tale of Rejection. Guys, ये जो सवाल अभी मैंने आपसे पूछा, वो normally जब कोई हमसे पूछता है ना, तो हमें लगता है बहुत आसान है, हम उसे शायद आंसर भी कर दें, पर अगर आप सीरियस होके अभी इसके बारे में सोचोगे तो आपके पास शायद वर्ड्स ही नहीं होंगे, आप बता ही नहीं पाओगे कि आपके लास्ट वर्ड क्या होंगे, क्योंकि ये तो जिंदगी का कड़वा सच है, मौत कभी बताकर नहीं आती है, वो एकदम से आ जाती है और हम बस देखते रह जाते हैं। I have a story for you. एक लड़का होता है हमारे यहाँ की तरह से, वो सोचता है कि उसे डर क्यों लगता है मौत से, जबकि ये तो जिंदगी का एक सच ही है, कड़वा सच है कि वो तो एक दिन आनी है, फिर उसे डर क्यों लगता है। वो इसी उधेड़ बुन में था तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने मास्टर से जाके पूछे, और वो अपने मास्टर के पास जाता है, उसे पूछता है कि मुझे मौत से डर क्यों लगता है। उसके मास्टर थोड़ा मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि तुम कभी किसी से उधार लेते हो तो तुम्हें उसे लौटाने में डर लगता है। वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज होता है, कहता है मैं तो मौत का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मास्टर की पता नहीं क्या उधार उधार की बातें कर रहे हैं। उसने फिर मास्टर को बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, डर तो मुझे कभी नहीं लगता, मुझे पता है कि मैंने जो उधार लिया वो मुझे वापस देना ही देना है। तब उसका मास्टर मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी भी तो उधार की है जो कि भगवान ने और इस नेचर ने तुम्हें दी हुई है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक ये जिंदगी तुम्हारे पास है तब तक तुम जो चाहे जैसे चाहे इसको एंजॉय कर सकते हो, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली, लेकिन ये कब तुमसे वापस ले ली जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं। So guys, हम सब सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और आई नो ये सब कहना बहुत आसान होता है कि अपने ड्रीम्स फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो और उन सब चीजों को करो, बट करते कितने लोग हैं और कर कितना पाते हैं, क्योंकि सब अपनी लाइफ में ना कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ अपने सपनों के लिए कंप्रोमाइज करते हैं तो कुछ अपनों के लिए कंप्रोमाइज करते हैं और कुछ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो हमने सोचा है, जो हम ख्वाब देखते हैं उनको पूरा करना शायद बनता है, हो सकता है कि हम उस लेवल पे उन्हें पूरे ना कर पाए, लेकिन उनके लिए कोशिश करना तो आई थिंक जायज है, बहुत बड़ी कोई कोशिश नहीं, हम बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ कोशिश नहीं कर सकते, तो जो हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम वो तो करें। गाइस बस मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और आज के टाइम में जब कोरोना जैसा वायरस हम सबके बीच है तो फिर और भी भरोसा नहीं है। तो लाइफ में जो भी चीज है ना, जो सोचा है आपने, जो ख्वाब देखे हैं, जो सपने देखे हैं, जो जो ड्रीम्स आपने अपने लिए बुने हैं, मानती हूँ बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, पूरा करने में बहुत टाइम चाहिए, पर आप स्टार्ट तो कर सकते हो, एटलीस्ट मरते टाइम भी सुकून रहेगा कि आपने स्टार्ट किया था अपने सपनों के लिए, जो आप करना चाहते थे उसके लिए आपने कोशिश की, होना ना होना तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं होता। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, और गाइस अगर आपके पास है ऐसा कुछ जो कि आप मुझे को लिखना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप या तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो देन टिल देन।